हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक पार्टी ब्लॉगर। अभी मैं आपको आगे का दिखाऊंगा व्यू। जब मैं यहाँ से शुरू होऊंगा जाने के लिए तो मार्केट जाऊंगा, वैसे आपको रास्ते का थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा। रास्ता तो बड़ा अच्छा नहीं है अपना घर का, पर फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बर्फ़ पूरी पड़ रही है, फ्लैश आंखों में पड़ रही है तो आँखें बंद हो जाती है। ऊपर से धूप लगी है, नीचे बर्फ़ है, देखिए पूरी फ्लैश पड़ रही है आँखों में, तो आँखें बंद हो जाती है क्योंकि आपको पता ही होगा लाइट से आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती है, इससे थोड़ा बंद हो जाता है। तो बर्फ़ इतनी है, ऊपर से धूप अच्छी पड़ी है, तो क्लाइमेट भी बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मेरे बैक साइड में धूप और धूप के साथ बर्फ, पूरा नज़ारा। अभी मैं दिल्ली से परसों ही आया था तो कल मैं घर पहुँचा हूँ, पूरा इंजॉय ले रहा हूँ बर्फ़ का। फिर मैं कल फिर से वापस दिल्ली चला जाऊँगा क्योंकि नौकरी भी ज़रूरी है, करनी तो पड़ेगी। चलो तो चलते हैं आगे। ये देखो मैंने बाड़ा क्रॉस कर लिया, ये है पहाड़ी मेरे घर के, जो मेरा पुराने वाला घर है वहाँ से ऊपर है। ये देखिए पूरा टॉप है, यहाँ पे थोड़ा सड़क की फैसिलिटी कम है, इसी वजह से थोड़ा हमारा क्या है ये एरिया थोड़ा अछूता रह गया, ठीक है। अब ऊपर देखोगे आप, ये देखो पूरा टॉप है, ये हमारे पहाड़ों का टॉप है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त एरिया है, फिलहाल यहाँ पे कम 6 फुट से ऊपर बर्फ़ है, तो पूरे सर्दियों में यहाँ पे 10-10 फुट तक बर्फ़ गिर जाती है क्योंकि हाइट ज़्यादा है। अब देखो वहाँ के जंगलों में अभी पेड़ों से बर्फ़ नहीं गिरी है, आपको दिख ही रहा होगा। तो ये ज़्यादा बर्फ़ गिरी है क्योंकि ये हमारे यहाँ से हाइट में पड़ता है, इस रेंज में धूप भी कम लगती है बहुत, क्या है कि जंगल है तो यहाँ पे क्या होता है कि धूप भी कम लगती है, तो इसकी वजह से क्या है बर्फ़ हमारी पिघली नहीं है। ये देखिए पूरा यहाँ से इस तरफ देखोगे तो आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी, पूरा एरिया देखो आगे तक सामने तक, वो देखो वो आगे दिख रहा है एरिया है, इसको बंदली बोलते हैं, बंदली गहरू। और यहाँ से आगे करोगे आप लास्ट में, ये जो टॉप दिख रहा है ये बिलासपुर नैना माता है, नैना जी है। यहाँ से आगे फिर हमारा चंडीगढ़ आ जाता है, नैना क्रॉस करके दूसरी तरफ चंडीगढ़ आ जाता है। तो ये देखिए आपका नैना माता, यहाँ से बोलो नैना माता की जय। और यहाँ से पीछे पीछे बिलासपुर का ही एरिया आता है, और जो लास्ट में दिख रहा है ये जो ये घर दिख रहे हैं, इन घर के पीछे डायरेक्ट दिख रहा है, इससे आगे ये सलापड़ बोलते हैं, सलापड़ पड़ता है, सलापड़ वैली। तो ये सामने सीधा चंडीगढ़ आ जाता है। अगर आप यहाँ से इधर घुमाओ ऐसे 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 तो उन पहाड़ियों के पीछे डायरेक्ट आगे सीधा शिमला आ जाता है। तो शिमला यहाँ से ऊपर से देखोगे टॉप से तो वहाँ से सब कुछ दिखता है, शिमला भी दिखेगा आपको, मंडी डिस्ट्रिक्ट भी दिखेगी और कुल्लू वाला थोड़ा बहुत एरिया दिखेगा, और हिमालय पर्वत बिल्कुल सामने दिखता है पूरा सफ़ेद, बहुत ही अच्छा मतलब नज़ारा है, बहुत ही तगड़ी पहाड़ी है ये। बस प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे रोड फैसिलिटी अभी नहीं पहुँची है, तो रोड फैसिलिटी पहुँच जाए तो बहुत ही सही रहेगा। हाँ जी, बाकी मुझे तो यहाँ से नीचे उतरना है, ये नीचे मेरा पुराना वाला घर है, मेरी किंगडम जो कि कमरू वैली की राजधानी कहा जाती है। ये है देखो, आपको मैं सही से दिखाता हूँ, ये देखो ये है, दिख रहे हैं आपको जैसे ये आपको घरों की छतें दिख रही है, ये इसलिए स्लाइडिंग टाइप बनाई है कि बर्फ़ गिरती है ना, नहीं तो ऐसे रह जाती है जैसे दिख रही है ना, बर्फ़ रह जाती है घरों में, वजन बन जाता है, उससे क्या होता है कि थोड़ा वजन बन जाए तो एक तो नीचे से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है फिर नीचे उसमें दबाव पड़ता है, इसीलिए ऐसी बनाई होती है तिरछी ताकि बर्फ़ इस पर टिके ना, जैसे 2 इंच 3 इंच 5 इंच बर्फ़ होगी तो वो अपने आप नीचे गिर जाती है, उससे हमारा क्या होता है फैसिलिटी अच्छी रहती है, मतलब घरों की बर्फ़ टिकेगी नहीं तो क्या होता है कि अच्छा रहता है, नहीं तो वजन बढ़ जाएगा तो घरों में लोड पड़ जाएगा, इसीलिए घर ऐसे होते इकोने। और ये है मेन मार्केट, नीचे यहाँ जाना है मुझे अभी, रोहांडा, रोहांडा में बहुत अच्छी जगह है, देखिए नीचे सारे खेत हैं लोगों के, बगीचे दिख रहे हैं कुछ, और यहाँ से बहुत ही अच्छे हैं नज़ारा है,
देखिए अब ये वाली साइड है, यहाँ पे बर्फ पिघल गई है, देखो टोटल पिघल गई है ना। ये क्यों पिघली? क्योंकि यहाँ पे सुबह डायरेक्ट धूप पड़ती है, डायरेक्ट धूप की वजह से वहाँ पे हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ने की वजह से धूप पिघल जाती है। यहाँ पे थोड़ा कम धूप पड़ती है तो यहाँ पे बर्फ बची है, देखो जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे पिघल गई है, और यहाँ पे बर्फ देखो ज़्यादा है, क्यों? धूप कम पड़ती है, तो ये अच्छा है। और बाकी ऐसे ही है, यहाँ पे अगर रोड फैसिलिटी पहुँच जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। अभी रोड तो एक बनता है, पता नहीं कैसे बनता है, ये चीज़ का नहीं पता। ये अपना बहुत ही स्लिपरी रास्ता, देखो यहाँ पे स्लिप होते हैं। अभी मेरे जूते का डिज़ाइन नीचे से जो है ये है, देखो ऐसा, तो क्या है कि ये थोड़ा ग्रिप बना देता है, कम स्किप करते हुए जूते, और फिर भी मुझे यहाँ से रिस्की है, गिर सकता हूँ। ब्लैक आई से अभी थोड़ी पीली हुई, यहाँ से सेफ्टी से चलना पड़ेगा। अगर किसी के जूते नीचे से प्लेन हो तो वो बस इसमें टिक नहीं पाएगा, सीधा सटाक और धड़ाम हो जाएगी। ये देखिए व्यू, घासनू नाम की जगह है, ये पूरा बर्फ, ये सेब का बगीचा, एप्पल ट्रीज, बहुत सारे सेब है। तो मैं 30 साल का हुआ, तो मैं जब छोटा सा था तो यहाँ से रास्ता हुआ करता था इस बगीचे के बीच में से। तो 30 साल मेरी उम्र हो गई, तो बचपन में जब मैं पहली दूसरी पढ़ता था तो मैंने ये पौधे इतने ही बड़े देखे हैं, ये वाले पौधे, तो ये समझ लो 30 साल से तो ये बड़े ही है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा था। इनको बढ़ने में कम से कम 10 साल तो और लगे होंगे, ये समझ लो ये 40-50 साल पुराने पेड़ है सेब के। ये देखो इसमें हम चोरी किया करते थे कभी कभी स्कूल टाइम में, चुपचाप अपने निकाल देते थे, तो कई बार हमें भगाया भी है यहाँ से, तो हमारे चाचा वगैरह है, तो हम इसे यहाँ से निकाल के बैग में डाल देते थे और स्कूल ले जाते थे, स्कूल में खाते थे। ऐसे ही होता है, बचपन में थोड़ा शरारती थे, तो शरारती तो सभी होते हैं वैसे बचपन में, आपको पता ही होगा सभी को। बस बाकी ऐसे ही है, अब तो बड़े हो गए हैं, बचपन की यादें रह गई है, बस जो टाइम गया वो दोबारा तो आता नहीं है, पर ये है कि अभी भी इंजॉय ले रहे हैं। अभी थोड़ा नीचे मैं आपको और दिखाऊंगा, बर्फ में जब जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे धूप नहीं लगती तो वो पूरा ब्लैक आइस मिलेगा वहाँ पे। अभी मैंने कल यहीं से ब्लॉग नीचे से शुरू किया था, ये जो अपना रास्ता था घर का, पर ये देखिए हनुमान शिला, ये हनुमान जी की मूर्त है, मतलब की तस्वीर बनाई है, तो ये पत्थर को खोद के बनाई है, जो साइड में लाइनें बनी है ये खोद के बनाई है, और ये बनी है तब मैं कम से कम 4 या 5, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल का था, मतलब कि 95-96 के का इसमें बनी है। तो ये एक योगी थे एतवारनाथ, उनका नाम ओम के ऊपर लिखा हुआ है पर सही से दिखेगा नहीं यहाँ से, तो ये योगी एतवारनाथ थे जो यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे एक छोटी सी कुटिया है साथ में ही, वो देखो अभी पक्की हो गई है, पहले ये कच्ची थी, तो यहीं पे योगी जी रहते थे, उन्होंने इसका सारा काम करवाया, ये मूर्त बनाई है जो। तो ये पत्थर रोहांडा में आपको सड़क के साथ ही दिख जाएगा, हनुमान शिला रोहांडा बोलते इसको, और इसके साथ अभी शिव मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे पंचमुखी शिवलिंग है स्थापित किया गया, और ये शिवलिंग का जो मतलब ये मंदिर है ये पूरा, मतलब यहाँ से जो पानी जाता है खड्ड बोलते हैं हमारे यहाँ, उसके ऊपर से है, और ये जो पत्थर है इसके नीचे भी एक तालाब जैसा है, तो इसके नीचे घुसेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पत्थर ऊपर ऊपर ही है, और ये टिका कैसे है एक कोने से। तो ये पत्थर कम से कम इसकी हाइट 10-20-30-40 फुट के आसपास है, 35-40 फुट के, तो इतनी बड़ी है। और यहाँ पे थोड़े से लड़के भी आ रखे हैं, देखो हाथ जोड़ रहे हैं मंदिर में, तो ये भी एक टाइप का, मतलब इतना बड़ा पत्थर बचपन से ही हमने देखा है। तो इसकी एक खास बात यह है कि जो ये हनुमान का जो ये हाथ है, इसके साथ देखो ये पैर का निशान आ रहा है, ये अपने आप ही बन रहा है। बचपन में ये थोड़ा फीका होता था, अभी ये गहरा हो गया है, हम बचपन में देखते थे तो ये फीका फीका होता था,
ये हमें कुछ समझ नहीं है इसका कि कैसे बन रहा है, पर ये बोलते हैं कि जो ये पत्थर है ये बोलते हैं जब पांडवों के टाइम में भीमका कहते हैं, भीमका है जो ये पत्थर है, तो ऐसा कहते हैं कि जब पहले पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग थे परदादा वगैरह के टाइम में, तो उस टाइम यहाँ पे क्या होता था कि किसी के घर में फंक्शन है या किसी के कोई छोटा मोटा हो प्रोग्राम, तो यहाँ पे रात को एक फावड़ा छोड़ देते थे, फावड़ा नहीं तो उसको क्या बोलते हैं कटोरी टोकरी 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 छोड़ देते थे, तो सुबह वो बर्तन से भरी हुई मिलती थी, तो बर्तन से भरी हुई मिलती थी और वो अपना जो भी कारज वगैरह कुछ भी होता था वो अपना निपटा के सारा फंक्शन वगैरह फिर यहाँ वापस छोड़ देते थे, तो और कोई दिक्कत मतलब वो वापस हो जाते थे। पर एक बार किसी ने बोलते उसको बदले में दे दिया, मतलब किसी ने खो दिया या क्या कर दिया, चुरा लिया कह दिया, तो उस करके क्या हुआ कि वो फिर यहाँ से मिलना बंद हो गए। तो ये देखो रास्ता, ये पूरा ब्लैक आइस बना हुआ है, जम गया है रात को, तो रात को जो बाहर क्या होता है कि ओस पड़ती है, यहाँ पे पाला बोलते हैं, पाला पड़ता है, तो ये फ्रीज हो जाती है रात को, रात को फ्रीज होने की वजह से ये पूरा जम जाती है, इसमें स्कीट होने का डर रहता है। मैं तो आराम से सेफ्टी से उतर रहा हूँ, डाउन है पूरा, पर यहाँ पे जूते स्लिपरी नहीं होने चाहिए, जिसके स्लिपरी होंगे उसका सिर बाजू कुछ भी कहीं पे भी लग सकती है, गिर जाएगा बंदा, संभाल नहीं पाएगा। ये अपने हनुमान मंदिर, ये देखो नीचे जो ये गड्ढा जैसा दिख रहा है, इसी में वो है तालाब पानी, हम ज़्यादा जाते नहीं हैं वैसे, पर इसके नीचे मतलब पूरा तालाब जैसा है। ये शिला, ये जो हनुमान जी की जो बनी हुई है, ये 1996 के करीब बनी है, उस टाइम मैं छोटा सा था, शायद मैं फर्स्ट में पढ़ता था होऊंगा या पढ़ता भी था होऊंगा कि, पर मुझे याद है कि मैं फर्स्ट में पढ़ता था जितना मुझे ध्यान है। तो मैं यहाँ पे आया था एक नीले टाइप का ये पहन के, कैपरी पहन के, छोटा सा था, ऊपर टी शर्ट डाली थी बैट वाली, तो अभी मुझे वो याद है वो चीज़। तो बस यहाँ पे हम अगर स्लीपरी जूते हैं बैठ के स्केटिंग कर सकते हैं, पर लगने का डर रहेगा। तो ये है रास्ता यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे पूरा गिर गया है नीचे, ये बरसात में गिरा होगा और या तो बर्फ़ से गिरा होगा। तो मैं आपको ऐसी ही वीडियो बीच बीच में डालता रहूँगा कभी घर आऊँ। ये देख सकते हो आप हनुमान जी और शिव शंकर जी, बोलो जय बजरंगबली जय शंभुनाथ। ये रास्ता गया है, ये कमनार के लिए भी जाता है, यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर। और एक चीज़ ये रोड चौड़ा हो रहा है अभी, थोड़ा काम चला हुआ है, ये चीज़ अच्छी लगती है जब थोड़ा डेवलप हो जाए। तो मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, उम्मीद है आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, तो आप सभी मतलब मेरे ब्लॉग में आप जुड़े रहेंगे। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा, ताकि मैं मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी यूट्यूब में है जुड़े हुए हैं यूट्यूब से उनके पास पहुँचे। ये धन्यवाद, जय कमरू नाग, ये कमरू वैली का नज़ारा, बाय।